हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये जो OTT है उसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज। और मुझे तो लग रहा है ये सब चीज़ अभी प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे हमेशा से प्रॉब्लम लगने लगी है, क्योंकि अब ये नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, आल्ट और प्राइम वीडियो, ये सब की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। मतलब मान लो आपको गुलाब और सीता को देखने का, तो आपको और फिर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अभी सुशांत सिंह जी की नई मूवी दिल बेचारा वो रिलीज़ करने वाले, अभी अनाउंस किया है कि वो हॉट स्टार पे, डिज्नी हॉट स्टार पे रिलीज़ करने वाली है। तो आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। और सबसे जो मतलब सस्ती जो सब्सक्रिप्शन है वो जो है 199 की, वो भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं। तो मतलब कम से कम आपको 500 तो कम से कम देना पड़ेगा, तब HD में आप देख पाओगे। अच्छी सर्विस चाहिए तो 500 में देखना पड़ेगा। तो मान लो 4 सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो कितना हो गया। तो एक गरीब आदमी अभी देख सकेगा ये सब मूवीज़ वगैरह, कितना भारी पड़ेगा। अगर मेरे हॉलीवुड के एक एक्टर है केविन स्पेसी, उन्होंने बोला कि पब्लिक मूवी देखना चाहती है लेकिन अपने कंफर्ट जोन में और जैसा उनको कंफर्टेबल लगता है वैसा देखना चाहिए। कोई भी इंटरनेट से मूवीज़ डाउनलोड नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं। अभी मुझे यूट्यूब का जो अच्छा लगता है कि भाई ये मूवी आपको देखने का है तो आपको इसको रेंट करो या तो परचेस करो। मैंने बहुत सारी मूवीज़ को रेंट करके देखा है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन वाला जो झंझट है ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रहा है। ये जो मार्क जकरबर्ग भैया फेसबुक के मालिक थे, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था पिछली बार, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि बहुत अक्लमंद लोगों ने उनको रोका और जनता को उसके बारे में जानकारी दी और हम बच गए। नहीं तो इंटरनेट को हर साइट को आपको ओपन करने के लिए पैसे देने पड़ते। अभी इंटरनेट उसी दिशा में जा रहा है। तो अगर मैं एक मूवी देखना चाहता सिर्फ उसी के लिए पे करना चाहता हूँ, मैं गुलाब और सीता वो उसकी उस साइट की अलग बाकी के वीडियोज़ नहीं देखना चाहता, सिर्फ उसके लिए ही पे करना चाहता हूँ। ऐसी इसको ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसकी पूरी सब्सक्रिप्शन लेने की क्या ज़रूरत है मुझे, मंथली क्यों पे करूँ मैं सिर्फ इतनी ही मूवी देखना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसी दिशा की तरफ हमें लेके जा रहे, तो मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। और सबसे ख़तरनाक है कि इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। अभी जो नेटफ्लिक्स जो इंडिया में फेमस नहीं हुआ है और वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, और अच्छे से सीरीज़ वगैरह ये लगाते हैं। एक MX प्लेयर करके है वो जो फ्री में आता है, लेकिन उसमें तो ज़्यादा ऐसा लगता है जो पुराने ज़माने में थे ना, हवस वाली मूवीज़ वो वैसा लगाती है वो, ऐसा XXX जो मूवीज़ गंदी मूवीज़ लगती है वो कौन देखेगा। वो आप परिवार के साथ नहीं, आप मैं अपने परिवार के साथ अगर देखना चाहता हूँ तो कौन सा मूवीज़ देखूँ। तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। अगर इसका विरोध हमें करना है, अभी सुशांत सिंह जी की मूवी जो मैंने किताब भी पढ़ी, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स किताब भी पढ़ी है और मूवी भी हॉलीवुड की देखी है, मुझे बहुत पसंद आई दोनों किताब और मूवीज़। इसके बावजूद मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उनकी मूवी थिएटर में रिलीज़ हो, पूरे ज़ोरदार शान से रिलीज़ हो, क्योंकि अभी उनकी फैंस यही चाहते हैं। इसके बावजूद वो OTT पर रिलीज़ कर रहे, मतलब हॉटस्टार पर रिलीज़ कर रहे, ये फैंस को पसंद नहीं। तो जिस बात का भी विरोध आप करो, दंगे की चोट पे करो और इसके बारे में बात आज से चालू करना चालू कर दो, क्योंकि मुझे ये तो इसका भविष्य मुझे अच्छा नहीं लगा। ये थिएटर्स को बंद करने वाला है, और थिएटर्स भी मल्टीप्लेक्स भी बहुत महंगे होते थे। मुंबई में बहुत कम ऐसे थिएटर्स है जो जहाँ पे गरीब आदमी जाके देख सकता है। तो ये जो एंटरटेनमेंट चीज़ है ना, ये गरीबों को ले नहीं रही। अगर आपको देखना है, आपको चाहते हैं आपको मूवीज़ देखने को मिले, तो आप इसका विरोध करो।
और डंके की चोट पे करो, मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरा सब्सक्रिप्शन फ्री है तो आप बिंदास सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो से शेयर करो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।